हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बाइटू स्टूडियो में जब आप कमेंट फिल्टर में जाते हैं तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें लिखा हुआ है कंटेंस क्वेश्चंस। तो इसका मतलब क्या है, जैसा कि आपको यहां मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहां पर कमेंट का ऑप्शन है। इसके बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ कंटेंस क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है और इसको क्लिक करने से कौन से कमेंट आते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो अगर आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसको डिटेल से समझाने के लिए हमें मोबाइल की स्क्रीन पर जाना पड़ेगा। तो आप यहां मोबाइल की स्क्रीन पर देखिएगा, सबसे पहले यहां पर आपको बाइटू स्टूडियो ओपन कर लेना है। बाइटू स्टूडियो ओपन होने के बाद यहां नीचे कमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो कमेंट के ऑप्शन पर आप क्लिक कर दीजिए। कमेंट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां कमेंट फिल्टर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसको थोड़ा राइट की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कंटेंस क्वेश्चन, तो इस पर क्लिक कर देंगे। या फिर आप यहां पर क्लिक करके इसको थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कंटेंस क्वेश्चन, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने से होता क्या है कि आपके यहां पर वो कमेंट आ जाते हैं जो व्यूअर्स ने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब कि आपसे कोई सवाल किया है तो वो कमेंट यहां पर आ जाते हैं। जितने लोग आपके कमेंट में क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, मतलब कुल मिला के क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं वही कमेंट यहां पर आ जाते हैं। आपको जो ये कमेंट दिख रहे हैं ना, तो इसमें टोटल व्यूअर्स ने हमारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहां कमेंट ये देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही वाले कमेंट यहां पर आ जाते हैं कंटेंस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसी तरह आप समझ सकते हैं कि बाइटू स्टूडियो में कंटेंस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। तो बाइटू स्टूडियो में कंटेंस क्वेश्चन का मतलब यही होता है। और एक बात, और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें यह सब कुछ के बारे में बताया है, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है, और जो ये वीडियो दिख रहा है ना तो देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू।